वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। गांव मेरा मुझे याद आता रहा। जय हिंद दोस्त, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज नंबर सिस्टम का एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अचीवर पॉइंट यूट्यूब चैनल में नंबर सिस्टम का और भी वीडियो है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक, उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो है डिवाइजर। इसका मतलब होता है भाजक। ये जो टॉपिक है भाजक में होता है क्या कि यदि कोई संख्या, जैसे मान लिया कि संख्या 12 है, यदि हम पूछ दे कि 12 जो संख्या है कौन कौन सा संख्या से डिवाइड होता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक से होता है, दो से होगा, तीन से होगा, चार से होगा, छः से होगा और 12 से होगा। यानी टोटल कहेंगे इसकी भाजकों की संख्या टोटल कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसकी भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 6 होगा, यानी 6 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी भाजकों की संख्या कितना कहेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन जब छोटा डिजिट हो तब ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन जब डिजिट बड़ा हो और पूछ रहे कि भाजकों की संख्या कितनी होगी, यानी कितना ऐसा संख्या होगा जिससे कोई भी संख्या कटेगा, तो उसको हम लोग को बताना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आज उसी का वीडियो है जो हम लोग आसान से आसान तरीका से उसको बनाने के लिए सीखेंगे। और ये भाजकों की जो संख्या डिवाइजर निकालने के लिए बहुत सारे एग्जाम, जो हायर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे कैट का, मैट का एग्जाम हो गया या सीजीएल का एग्जाम हो गया, ये सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया ऐसे कि 640 को संख्या है, अब 640 की भाजकों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि 640 संख्या है जिसकी भाजकों की संख्या कितना होगा, तो हम लोग देखिए इसको अब एक दो लिखकर नहीं बना सकते हैं, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग दो से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 320, फिर हो जाएगा कितना 160, फिर कितना हो जाएगा 80, फिर कितना हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 20, फिर दो से करेंगे तो 10, फिर दो से करेंगे तो 5, ऐसा लिख सकते हैं। यानी अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। और 5 के पावर, देखिए इसका 5 सिंगल है, तो इसका 5 के पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यदि भाजकों की संख्या कहेगा क्या होगा, तो भाजकों की संख्या देखिए क्या लिखेंगे, कोई भी संख्या ऐसा दिया हुआ हो, कोई भी डिजिट दुनिया का, और कहेगा कि भाजकों की संख्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के बाद देखेंगे कौन सा डिजिट कितना बार उसमें आया है। यानी जैसे 2 का हम लोग गुणनखंड किए, इसको गुणनखंड किए तो 2 कितना बार आया, 7 बार आया, और 5 कितना बार आया, 1 बार, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या करना है, जो इसका पावर है, अब बेस से कोई लेना देना नहीं है, अब पावर देखना, जो भी पावर रहेगा उसमें पावर में अपने मन से 1 जोड़ देना है, ठीक है। इसके पावर कितना है 1, तो इसमें भी 1 जोड़ देना है, और फिर दोनों का क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और इंटू 2, यानी टोटल 16 हो जाएगा। यानी 640 संख्या का भाजक कितना होगा, तो 16, यानी 16 ऐसा संख्या होगा जिससे 640 क्या होगा, पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। यानी यदि कहेगा भाजकों की संख्या कितना होगा, तो 16 होगा। इतना बात समझ में आया, और भी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है।
देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लिया हम लोग लेते हैं 1280 ये संख्या, ठीक है। अब 1280 की भाजकों की संख्या निकालें क्या करेंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 640, फिर कितना हो जाएगा ये 320, फिर कितना हो जाएगा ये 160, फिर 80, फिर कितना हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा 20, फिर 10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, कौन सी संख्या का कितना बार यूज किया गया है इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए 2 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 के पावर कितना लिख सकते हैं 8, और 5 का पावर कितना लिख सकते हैं 1, क्योंकि 5 कितना बार यूज हुआ है, सिर्फ एक बार। और कहेगा कि भाजकों की संख्या क्या होगा, तो भाजकों की संख्या बता सकते हैं आप जब एक क्वेश्चन बना लिए, तो भाजकों की संख्या बराबर क्या होगा, तो इसके पावर में अपने मन से क्या करना है, एक ऐड करना है, इसके पावर में एक ऐड करना है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना 9, और ये टोटल कितना हो जाएगा 2, यानी 9 × 2 लिखेंगे और टोटल कितना हो जाएगा 18, यानी भाजकों की कुल संख्या कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। इतना आप समझ रहे हैं। अब कोई भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन रहेगा, सिंपल संख्या दिया हुआ रहेगा तब तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन यदि और पावर में रहेगा या गुणनखंड में रहेगा तो कैसे करेंगे, एक का क्वेश्चन करेंगे आज। जैसे क्वेश्चन है देखिए, 75 के पावर रहेगा, मान लीजिए 8 रहेगा ऐसे, ये क्वेश्चन है। अब कहेगा इसकी भाजकों की संख्या क्या होगी, अब तो कहेंगे कि अब तो संख्या नहीं है, गुणनखंड कैसे करेंगे, है ना मुश्किल। तो गुणनखंड इसका भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब देखिए 75 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले करेंगे 3 से तो हो जाएगा कितना 25, और फिर 5 × 5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 5 हो जाएगा 25, 5 × 5 25, 75 हो जाएगा, और इसका पावर 8 लिखा हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं 3 × 1 × 3 का 5 का स्क्वायर × 8, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका पावर भी 8 है, इसका पावर भी 8 है, और हम लोग को पता होता है किसी का पावर 8, किसी का पावर कुछ होता है गुना होता हो, यानी 3 का पावर किसको लिख सकते हैं 8, और इसको लिख सकते हैं देखिए a के पावर m इंटू n रहता है तो क्या लिखते हैं a के पावर m n, यानी यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर है इंटू 8 है तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये जो था फॉर्म, अब सिंपल फॉर्म में आ गया जो हम लोग नीचे लाते थे। अब भाजकों की संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, भाजकों की संख्या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसके पावर में अपने मन से एक जोड़ना है, और इसके पावर में भी अपने मन से क्या करना है, एक जोड़ना है। अब देखिए ये टोटल कितना हो गया 9, और ये टोटल कितना हो गया 17, यानी 9 × कितना हो जाएगा 17, और 17 × 9 कितना होता है 153, यानी टोटल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा तो 153 हो जाएगा। कितना बात समझ में आया, है ना आसान, बहुत ही मस्त ट्रिक है, और आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं कोई भी संख्या रहेगा तो। और भी क्वेश्चन देखते हैं लगातार। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आपके सामने है बोर्ड पे, और इसको देखिए हम लोग निकालना है भाजकों की संख्या। अब देखिए क्या करेंगे इसको बताइए, यदि आप अभी बना लिए होंगे पिछले क्वेश्चन तो ये भली भांति बन जाना चाहिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग पावर लिखेंगे और उसके बाद इसका पावर लिखेंगे। यदि 35 का पावर 5 है तो 35 को भी हम लोग तोड़ सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 35 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो 7 × 5 लिख सकते हैं, 7 × 5 = 35, ऐसे भी होता है, और इसका पावर 5 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बीच में यदि मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दिया, इसको 7 × 21 लिख सकते हैं, 7 × 3 लिख दिए, और इसका पावर कितना हो जाएगा 6, ओवरऑल ये है, यही ना है। अब देखिए जब 7 × 5 लिख दिए और टोटल का पावर 5 है तो हम लोग 7 का पावर भी 5 लिख सकते हैं और 5 का पावर भी 5 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 × 5 × 5 गुना इसका पावर लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 × 6, और इसको लिखेंगे तो 7 × 6। अब देखिए यहाँ एक चीज सोचने वाली बात क्या है, हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पढ़े कि a × m × यदि a के पावर n हो तो a के पावर m + n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं। अब देखिए यहाँ
सेवन के पावर फाइव और यहाँ है सेवन के पावर सिक्स, दोनों का बेस सेम है। देखिए जैसे यहाँ ए बेस सेम था और पावर अलग अलग है, यहाँ पावर फाइव है, यहाँ पावर कितना है सिक्स है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेवन के पावर दोनों पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो छः और पाँच कितना हो गया ग्यारह, यानी सेवन का पावर कितना हो गया इलेवन। और देखिए दोनों का बेस सेम नहीं है और बाकी का, तो लिख सकते हैं फाइव के पावर फाइव इंटू थ्री के पावर कितना सिक्स। अब निकालेंगे हम लोग क्या, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने मन से क्या करना है, पावर में एक जोड़ना है, यानी ग्यारह है तो ग्यारह प्लस वन लिख देना है, गुना करना है फाइव प्लस वन, फिर यहाँ गुना करना है कितना सिक्स प्लस वन, ऐसा कर सकते हैं। अब ये टोटल हो गया ट्वेल्व, ये टोटल हो गया सिक्स और ये टोटल हो गया कितना सेवन। इसी का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इसका भाजकों की संख्या हो जाएगा। देखिए वर्चक कितना होता है बहत्तर, अब बहत्तर में सेवन से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 504, यानी टोटल हो जाएगा जो भाजकों की संख्या होगा 504, यानी 504 भाजकों की संख्या हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, यानी पावर में रहे, गुणनखंड में रहे या सिंपल फॉर्म में रहे, कोई भी संख्या के यदि भाजकों की संख्या निकालना है सबसे पहले उसका वैसा टर्म में लाना है जो उसका गुणनखंड लास्ट हो जाए, और उसके पावर को क्या करना है, अपने मन से एक जोड़कर और उसमें गुना करना है पावर को। बेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पावर से लेना देना है, और उसके बाद वही संख्या क्या होगा, उसका भाजकों की संख्या हो जाएगा। चलिए और भी क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है, SSCGL में पूछा हुआ है या रेलवे में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भी लेते हैं। चलिए देखिए इसको, यहाँ देखिए क्वेश्चन चेंज है, यहाँ कहता है कि 860 एक संख्या है जिसमें सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। तो यदि भाजकों की संख्या सिर्फ निकालने आ गया तभी निकालने आएगा कि सम भाजकों की संख्या क्या होगा और विषम भाजकों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग निकालते हैं कि भाजकों की संख्या कितना होगा, उसके बाद हम लोग तीनों टर्म निकालते हैं अलग अलग। सबसे पहले निकालेंगे भाजकों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो इसको कितना लिखेंगे 430, फिर कितना लिखेंगे 215, फिर कितना लिखेंगे 543 हो जाएगा। इसके बाद देखिए गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। यदि 860 को हम लोग गुणनखंड करते हैं तो पहले 2 से डिवाइड होगा तो 430 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 215, और ये 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हो गया 43। यदि भाजकों की संख्या हम लिखते सिर्फ भाजकों की संख्या तो क्या लिखते, तो सबसे पहले वैसी संख्या लिखना है पावर, तो दो संख्या दो है जो दो बार लिखा गया, यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 5 जो लिखा गया है एक बार लिखा गया, और 43 कितना बार लिखा गया एक बार। और भाजकों की संख्या में क्या करते हैं, तो पावर में एक जोड़ते हैं, इसके पावर में एक जोड़ते हैं और इसके पावर में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं। अब देखिए बेस से तो कोई लेना देना है नहीं, पावर कितना हो गया इसका 3, इसका पावर कितना हो गया 2 और इसका पावर कितना हो गया 2, यानी टोटल भाजकों की संख्या कहें तो कितना हो जाएगा 3 × 6 × कितना 12, यानी टोटल भाजकों की संख्या कितना हो गया तो 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या सम भाजकों की संख्या क्या होगा और विषम भाजकों की संख्या क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सम भाजकों की संख्या निकालते हैं क्या होगा, देखिए गुणनखंड करना तो जरूरी है, सम भाजक निकालना रहेगा तो भी, भाजक निकालना रहेगा तो भी, विषम भाजक निकालना रहेगा तो भी, गुणनखंड सबसे पहले करना है। अब गुणनखंड को क्या लाए यहां पे, 2 का पावर लाए कितना 2, 5 का पावर कितना 1 और 43 का पावर कितना 1, यही था। यदि सम भाजकों की संख्या निकालना है, नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम रखे हुए हैं नोट करिएगा उसको, कि यदि सम भाजकों की संख्या निकालना है तो सम संख्या देखना कौन है और विषम संख्या कौन होता है। तो यहाँ सम विषम बेस को देखना है कि सम कौन संख्या और विषम कौन संख्या है। सम विषम पहचानना जानते हैं कि जिसका लास्ट डिजिट जो होता है क्या हो, वैसी संख्या जो 2 से मल्टीपल हो सम संख्या होता है, जो 2 से मल्टीपल नहीं होता है वो विषम संख्या होता है जनरली। तो यहाँ देखिए सम संख्या कौन कौन है, तो 2 सम संख्या है, 5 क्या है विषम संख्या है, 43 क्या है विषम संख्या है, और यहाँ पूछ रहा है सम संख्या, यानी सम भाजकों की संख्या निकालना हो तो जो संख्या सम है उसका पावर जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, उसको लिखना है।
तो उसका पावर कितना है, दो है। और जो विषम संख्या है उसमें अपने मन से पावर में एक जोड़ना है, यानी इसके पावर में क्या करना है, एक जोड़ना है। और ये भी विषम संख्या है, इसके पावर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। इतना बात समझ में आया। समभाजकों की संख्या निकालना हो तो सम संख्या जो है उसके पावर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लेकिन उसके पावर को लिखेंगे। और जो विषम संख्या है उसके पावर में क्या करना है, अपने मन से एक जोड़ना है। तो इसके पावर में एक जोड़ दिए और इसके पावर में भी एक जोड़ दिए। अब टोटल संख्या देखिए कितना, दो हो गया, ये भी दो हो गया और ये भी दो हो गया, यानी टोटल दो दुना चार दुना आठ, यानी टोटल समभाजकों की संख्या कितना होगा, तो आठ होगा। और यदि कहेगा विषम भाजकों की संख्या तो क्या होगा। अब देखिए यहां क्या है, विषम भाजक। अब देखिए गुणनखंड तो एक बार कर लिए, अब इसको लिख देते हैं सबसे पहले। गुणनखंड तो लिखना सब में है, तो दो के पावर दो, फाइव का पावर वन और 43 का पावर कितना, वन, इतना सम में लिखना है। अब देखिए यहाँ समभाजक यदि निकाले थे तो समभाजक के सम संख्या के पावर का क्या लिखिए, कोई चेंजिंग नहीं किए, और विषम में अपने मन से एक एक जोड़कर उसका गुणन किए, वही क्या हो गया, समभाजक की संख्या। लेकिन विषम भाजक की संख्या पूछता है, तो जब विषम पूछता है तो सम से कोई मतलब नहीं है, ना उसका सम संख्या से मतलब है और ना उसका पावर से कोई मतलब है, यानी ये संख्या को क्या करना है, सीधा नेगलेक्ट करना है। बात समझ में आया। और विषम संख्या जितना है उसके पावर में एक जोड़कर गुना करना है, वही हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या। यानी विषम भाजकों की संख्या क्या लिखेंगे, तो 1+1 ये हो गया, इसके पावर में एक जोड़ दिया और इसके पावर में भी एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1+1, यही उसका गुणनखंड हो गया। यदि इसका गुणनखंड करें कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा गुणनफल, और इसका दो, दो दोना कितना हो गया, चार। यानी टोटल क्या हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो चार हो जाएगा। सम भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। और कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, बारह हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जोड़िए, सम भाजक आठ, विषम भाजक चार, आठ चार कितना, बारह, और कुल भाजकों की संख्या भी बारह। इसका मतलब क्या है, सही है। तो तीनों चीज हम लोग समझ गए, भाजकों की संख्या निकालना है तो भी, सम भाजकों की संख्या निकालना है तो भी, विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो भी, समझ में आया। अब देखते हैं कोई संख्या लेते हैं जो पावर वाला होता है, उसको कैसे निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, इसमें भी बताना है कि सम भाजकों की संख्या कितनी होगी और विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए यदि आप कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो खुद बनाइए जल्दी से, आपको चेक करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं कि हम पहले बना चुके थे, और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम आपसे पहले बना चुके थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम भाजकों की संख्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं। तो यदि हम 45 को गुणनखंड करते हैं तो क्या करेंगे, 3 × देखिए इधर 45 को गुणनखंड करिए, नहीं आता तो सबसे पहले कितना कटेगा, लास्ट 3 से कितना हो जाएगा, 15 × 3 = 45, और फिर कितना से होगा, 3 से तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, यानी 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 3² × 5 = 6, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आराम से। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, फिर 3² और ओवरऑल पावर 6 है, तो ये तो गुना हो जाएगा, तो 6 × 2 कितना हो गया, 12, और 5 × 5 कितना हो गया, 6, यानी ये लास्ट हो गया। अब तो इसका गुणनखंड कोई होगा नहीं, टूटेगा ही नहीं। अब भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, कुल भाजकों की संख्या क्या होगा, इसके पावर में ही अपने मन से एक जोड़ना है और इसके पावर में भी क्या करना है, अपने मन से एक जोड़ना है। तो 12 + 1 हो जाएगा 13, और 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी 13 × कितना हो जाएगा, 7, और 13 × 7 कितना होता है, 91, यानी टोटल भाजकों की संख्या कितना हो गया, तो 91 हो गया। इतना बात समझ में आया, ये हो गया कुल भाजकों की संख्या, अभी सम विषम नहीं निकाले हम लोग, ये कुल भाजकों की संख्या हो गया। अब इधर निकालेंगे हम लोग सम भाजकों की संख्या। चलिए यहाँ जो है सम भाजकों की संख्या निकालना है, तो सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका गुणनखंड तो लिखते हैं, तो इसको लिख देंगे 3 के पावर 12 और 5 के पावर कितना, 6,
अब देखिए समभाजकों की संख्या, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि सम संख्या का होना जरूरी है समभाजकों की संख्या निकालने के लिए, और इसमें कोई भी सम संख्या नहीं है। तो सम संख्या जब नहीं है तो सम संख्या यदि लिखते हैं तो उसको हम लोग जीरो लिखेंगे, और इसका पावर यदि 12 लिखते हैं, इसके पावर में एक जोड़ते हैं भी है तो 13 लिखेंगे, इसके पावर में एक जोड़ते हैं तो 6+1=7 लिखेंगे, और ओवरऑल जब गुना करेंगे तब तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या को गुना करते हैं तो ओवरऑल क्या होता है, उसका रिजल्टेंट जीरो आता है। तो इसका कहेंगे यदि समभाजकों की संख्या क्या होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कोई भी संख्या नहीं होगा। और यदि विषमभाजकों की संख्या कहेंगे तो क्या होगा, तो विषमभाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणनखंड तो लिखते ही हैं, तो 13 के पावर कितना हो गया 12 और 5 के पावर कितना हो जाएगा 6 होगा। अब देखिए इसमें सम संख्या इसको लेना धन नहीं है, विषम संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, सम संख्या इसको मतलब वो नहीं होता है, और विषम संख्या के पावर में क्या करते हैं अपने मन से एक जोड़कर क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7, यही हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या, यानी विषम भाजकों की संख्या तो 13 कितना हो जाएगा 91, यानी टोटल जो संख्या आया ये क्या था, ओवरऑल टोटल का टोटल विषम भाजकों का ही संख्या था, यानी इसमें कोई सम संख्या है नहीं तो सम संख्या भाजक भी नहीं होगा, यानी कुल भाजकों की संख्या 91 कहें या फिर कहें विषम भाजकों की टोटल संख्या कितना होगा, 91 हो गया। आशा करते हैं कि ये भाजक की संख्या निकालने के लिए डिवाइजर का समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी किसी भी संख्या का पावर दिया हुआ रहे, सिंपल फॉर्म में दिया हुआ रहे या कोई भी फॉर्म में दिया हुआ रह गया तो हम लोग समझ सकते हैं उसको, कि सबसे पहले उस जो भी संख्या रहेगा उसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, और गुणनखंड तब तक करते हैं जो उसका सबसे छोटा डिजिट नहीं मिल जाता है, और उसके बाद जो पावर रहता है उसको पावर करते हैं। ये बात समझ रहे होंगे कि यदि सेम बेस का रहेगा तो उसको जोड़कर हम लोग लिखेंगे, उसके पावर बाद में जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि सेम बेस अलग अलग रहेगा और उसका +1+ कर देंगे तो वो संख्या बढ़ जाएगा, वैसी स्थिति में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, और यदि अच्छा लगा हो और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हम लोगों को थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा एनर्जी मिले। चलिए आज के लिए बस इतना सा, गुड बाय।